मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई अंग्रेजी में करवा दी। अब बताओ मेरे बहनों और भाइयों, किसान के बेटे हो, गरीब के बेटे बेटी हो, बताओ अंग्रेजी में पढ़ाई समझ में आएगी क्या? अरे जोर से बताओ, आएगी क्या? अपने गांव में अंग्रेजी कौन जानता है? अपने गरीब घरों में अंग्रेजी कौन जानता है? और इसलिए अपने बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते थे। अब हमने तय कर दिया है, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जाएगी, हिंदी में। ये इस बात की कोशिश थी किसान भाइयों, इस बात की कि किसान का बेटा बेटी ना आए आगे। कुछ बड़े लोग, उन्हीं के बेटा बेटी बड़े पदों पर पहुंचे, अब ये नहीं होने दूंगा। और एक बात और, इसको भी प्रदेश में मुझे जहां सुन रहे हैं सुन लेना, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दो व्यवस्थाएं होती है। सरकारी स्कूल के बच्चे मेडिकल में कम आ पाते हैं कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट वाले ज्यादा आते हैं। और प्राइवेट में गरीब और किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता। इसी साल मैं एक रिजर्वेशन और कर रहा हूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 5% सीटें मेडिकल कॉलेज में रिजर्व कर दी जाएगी। इसलिए यह व्यवस्था कर रहे हैं, यह व्यवस्था बदलनी है भाई, तब हमारे बच्चे आगे आ पाएंगे।